नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ पाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर कंट्रोलिंग, और इस चैप्टर के आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसके अंदर हमें टोटल चार पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करने हैं। तो आप सब लोग अपने साथ जल्दी से हमारे साहस स्टडी पैम्पलेट ले लीजिए, और मेरे साथ साथ इस सेशन को बहुत अच्छे से समझना है ताकि सारी चीजें आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो यहां पे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कंट्रोलिंग और प्लानिंग के रिलेशनशिप समझे, उससे पहले ये फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्लानिंग क्या है और कंट्रोलिंग क्या है। तो देखो, प्लानिंग refers to the systematic and intellectual program to achieve the business objective. क्या कहा है, planning क्या है? तो planning एक systematic and intellectual, intellectual मतलब logical, mental means mind के साथ जुड़ा हुआ program to achieve the objectives of the business. जबकि controlling क्या है? तो control is the process to monitor. देखो, control क्या करता है? Monitor करता है whether the business activities are carried out according to the plan or not. फिर से एक बार, planning को क्या कहा है? तो planning refers to the systematic and intellectual program to achieve the objectives of the business. जबकि control is the process to monitor whether the business activities are carried out according to the plan or not. So planning and controlling are interrelated, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे के लिए जरूरी है, जुड़ी हुई है। तो यहां पर ये इंटर रिलेशनशिप को समझाने के लिए टोटल चार पॉइंट यूज हुए हैं, और ये चारों पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब ये पॉइंट दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, क्या कि जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है वो एक ही सिक्के के दो बाजू है, जैसे हेड और टेल होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि शोले मूवी के अंदर जय और वीरू हमेशा सिक्का उछालते थे, तो वो सिक्के में एक साइड पे हेड होता है, दूसरी साइड पे टेल होता है, दोनों चीजें जरूरी है। सिमिलरली प्लानिंग और कंट्रोलिंग भी दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है, इट मीन्स के दे आर टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, मतलब प्लानिंग करते हैं हम लोग और उसके ऊपर हम कोई कंट्रोलिंग करते ही नहीं है, तो प्लानिंग फेल ही होने वाला है, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। एंड सिमिलरली कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट द प्लानिंग, मतलब हम लोग कंट्रोलिंग कर रहे हैं पर ब्लाइंड मीन्स प्लानिंग है ही नहीं, तो कंट्रोलिंग किस चीज का करेंगे। मतलब कि यहां पे दोनों चीजें जरूरी है, इसलिए क्या कहा है कि प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, मतलब प्लानिंग करते हैं पर कंट्रोलिंग नहीं करते तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, और कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट द प्लानिंग, दैट मींस के कंट्रोलिंग विदाउट द प्लानिंग इज ब्लाइंड। इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस, मैनेजर्स हैव नथिंग टू कंट्रोल। देखो, पहले हमें स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं, कंट्रोलिंग में यही होता है कि सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड सेट करेंगे। अब यहां पे आपने स्टैंडर्ड्स ही सेट नहीं किए, स्टैंडर्ड का मतलब आप क्या चीज किस तरह से करना चाहते हो, जैसे कि आपकी पढ़ाई है तो आप सेट करते हो स्टैंडर्ड्स की, मैं डेली 4 घंटे पढ़ाई करूंगा या पढ़ाई करूंगी, तो ये स्टैंडर्ड सेट करोगे तो आप यहां पे कंपेयर कर सकते हो कि मैंने 4 घंटे का टारगेट रखा था, स्टैंडर्ड रखा था, उसके सामने मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और मैं उसके हिसाब से कंट्रोलिंग करूं। पर आप मान लो कि आपने ऐसा कुछ डिसाइड ही नहीं किया है, तो यहां पे आपके पास कंट्रोल करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, इसलिए यहां पे क्या कहा है, व्हेन देयर इज नो प्लान देयर इज नो बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब आपने कुछ प्लान किया ही नहीं है तो कंट्रोल किस चीज का करोगे। तो यहां पे कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। कंट्रोलिंग फाइंड्स आउट द डेविएशन, टेक्स नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस एंड ऑल्सो टेक्स बिजनेस एक्टिविटी इन द राइट डायरेक्शन। कंट्रोलिंग क्या करता है, तो कंट्रोलिंग जो हमारी एक्टिविटीज के अंदर डेविएशन आता है, मतलब कि हम लोग हमारे जो टारगेट हमारे प्लान है उससे साइड ट्रैक पे चले जाते हैं, तो वो डेविएशन फाइंड आउट करता है और उसको ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, ताकि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो राइट डायरेक्शन में, मतलब के गोल के डायरेक्शन में काम करती रहे। दो कंट्रोलिंग इट कैन बी असर्टेन वेदर और नॉट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग आर अचीव्ड। क्या कहा है कि थ्रू कंट्रोलिंग हम लोग कंट्रोलिंग से ये पता कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग हुए हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं, मतलब आप कंट्रोलिंग करोगे, आपने प्लान किया कि मैं 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा पूरा एक सेशन दिया हुआ है एक्सीलेंट प्लानिंग के लिए कि हाउ टू स्कोर मैक्सिमम रिजल्ट इन योर एग्जाम, और उसके लिए क्या एक आइडियल प्लानिंग प्रिपरेशन के टिप्स मैंने दिए थे कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। अब वहां पे
आपने 4 घंटे का प्लानिंग किया हुआ है, तो कंट्रोलिंग करोगे तो पता चलेगा कि आपके जो प्लानिंग के गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, कि भाई मैं आज के दिन में अकाउंट में से इतना कर दूंगा, इकोनॉमिक्स में से इतना करेंगे, ये सब्जेक्ट में से उतना करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं प्लानिंग के अंदर डिसाइड किए हुए, वो पता चलता है कंट्रोलिंग से. सो द सक्सेस ऑफ प्लानिंग डिपेंड्स ऑन कंट्रोलिंग. अब प्लानिंग कितना सक्सेसफुल होगा वो डिपेंड करता है कंट्रोलिंग के ऊपर, क्योंकि देखो प्लानिंग आपने कर दिया 4 घंटे का 5 घंटे का, अब उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोलिंग होगा तो वो 4-5 घंटे का आउटकम निकलेगा, पर आप कंट्रोलिंग ही नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, 2-3 दिन हुआ और फिर जैसे थे वैसे ठंडे के ठंडे हो जाओगे. तो जो प्लानिंग है उसकी सक्सेस डिपेंड करती है कि हमारा कंट्रोलिंग कैसा है. व्हाइल कंट्रोलिंग इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग, और सिमिलरली हम कंट्रोलिंग करेंगे पर प्लानिंग कुछ किया ही नहीं है, तो क्वेश्चन ही रहेगा कि हम कंट्रोल करेंगे किस चीज को. मतलब प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग, ये दोनों एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते. हेंस इट इज क्लियर दैट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. आपको यहां पे इस तरह से भी एक्सक्वेशन आ सकता है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर कंसिडर एज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक्सप्लेन. तो आपको ये पूरा पॉइंट जो है वही यहां पे लिखना होगा. क्लियर हुआ? चलिए उसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर का पॉइंट, जो कि क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंजेस. इससे कैसे प्लानिंग और कंट्रोलिंग जुड़े हुए हैं, तो देखो इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ अ प्लान डिपेंड्स ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. हमको पता है कि प्लानिंग के अंदर हमने जो प्रोग्राम्स बनाए थे उसका यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन वो डिपेंड करता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, कि हम कितना और कैसे जो हमारे प्रोग्राम्स है, हमारे प्लान्स है, उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे. नाउ इंटरनल फैक्टर्स जो कि हमको ऑलरेडी पता है, विच कैन बी कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कैन बी रेगुलेटेड. मीनवाइल कंट्रोल इज ऑल्सो नीडेड फॉर द एक्सटर्नल फैक्टर्स. अब देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते हैं, पर उसको भी यहाँ पे कंट्रोल करना जितनी हद तक हो सके वो जरूरी है. जैसे कि कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, कि एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूड्स मतलब बिजनेस के बाहर के, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी. अब गवर्नमेंट पॉलिसी बिजनेस तो सेट करेगा नहीं, वो तो गवर्नमेंट बनाएगी. सिमिलरली कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन कितनी होगी, अब आप कितनी पढ़ाई करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे, वो आप सेट कर सकते हो. आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, आपके जो दूसरे फ्रेंड्स है जो कि एग्जाम अपियर करने वाले हैं, उसको आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते. इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज होना, डिप्रेशन मतलब मंदी आ जाना, स्केयरसिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, चेंज इन द चॉइस ऑफ द पीपल यानी कि चेंज इन डिमांड एंड फैशन भी कह सकते हो, चेंज इन द फैशन एटसेट्रा, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, उसको भी यहाँ पे हमें कंट्रोल करने की कोशिश करनी है. दस आफ्टर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब हम देखेंगे कि कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर हमारे बिजनेस के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस करता है, देन कंट्रोलिंग चेक्स whether or not activities are carried out according to the plan. मतलब ये external factors को हम ध्यान में रख के ये देख करेंगे कि क्या हमारे business की activity जो plan किया था उसके हिसाब से हो रही है या नहीं. And thus it is said that planning and controlling gives protection against changes. जैसे हम लोग protection के लिए mask पहनते हैं, doctors PPE kit पहनते हैं, उसी तरह से यहाँ पे planning और controlling ये हमारे लिए tool है, kit है, जिससे कि organization में जो changes होते हैं, बाहर के environment में जो changes होते हैं, उसके सामने business अच्छे से deal कर सकता है. इसलिए यहाँ पे कहा है कि planning and controlling क्या करता है, gives the protection against changes. Then third point is planning is precondition फॉर दी कंट्रोलिंग. मतलब कि यहाँ पे हमें कंट्रोलिंग करना है तो प्लानिंग तो होना ही चाहिए, प्लानिंग के ऊपर टिक मार्क चाहिए ही चाहिए. मतलब प्लानिंग प्री कंडीशन है. यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल अच्छा रिजल्ट लाना है स्मार्ट तरीके से, तो प्री कंडीशन क्या होगी कि आपको साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप का इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जाम्पल. तो इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे कंट्रोलिंग अच्छे से करना है तो उसके लिए प्लानिंग होना ही चाहिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप कंट्रोलिंग करोगे क्या. तो देखो The function of planning is to make programs for achievement of the objectives. जो हम लोग आगे भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लानिंग का काम क्या होता है, function यानी कि work, to make the program for the achievement of the business objective. ये काम करता है planning. Now, while the function of controlling is to see whether or not activities are performed according to plan. मतलब कंट्रोलिंग का काम क्या है, चेक करना कि क्या सारे के सारे काम जो हमने प्लान में डिसाइड किए थे वो हमारे
प्लान के हिसाब से प्रॉपरली चल रहे हैं या नहीं। द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड सेट स्टैंडर्ड्स अंडर अ प्लानिंग। मतलब काम क्या करना है यहां पे कंट्रोलिंग को, कंपैरिजन करना है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूं कि यहां पे आप प्लान किया है, आपने सेट किया स्टैंडर्ड कि मैं डेली फॉर एग्जांपल 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, जिसमें से आप 2 आवर्स फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करोगे, 2 आवर्स आप थ्योरी सब्जेक्ट करोगे, 1 आवर आप लैंग्वेज करोगे। ये आपने क्या किया, सेट किया यानी कि प्लान किया। उसके सामने यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस इससे मैच हो रहा है। तो एक्चुअली में फॉर एग्जाम्पल आप दिन में सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ाई करते हो और उसके अंदर 1.5 घंटा आप सिर्फ और सिर्फ अकाउंट के लिए या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए ही निकाल रहे हो, सिर्फ आधा घंटा ही आप थ्योरी के लिए निकाल रहे हो, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग अपना काम करेगा। भाई देखो यहाँ पे 2 घंटे प्रैक्टिकल है तो यहाँ पे अकाउंट अकेला नहीं है, स्टेटिस्टिक्स भी है या दूसरे सब्जेक्ट्स भी है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कंट्रोलिंग को कि ये प्लान जो किया है उसके हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रहा है या नहीं, ये चेक करने की जिम्मेदारी है। एंड देयरफॉर इट इज सेड दैट प्लानिंग इज प्री कंडीशन। अब देखो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस इतना किया है, अब वो ज्यादा किया या कम किया वो कब पता चलेगा, जब हमने पहले प्लानिंग किया होगा। तो आप 2 घंटे पढ़ाई करते हो और मैं पूछता हूं कि आपने अच्छी पढ़ाई की या कम पढ़ाई की, या ज्यादा पढ़ा या कम पढ़ा, कैसे डिसाइड करोगे? सर मैं बोलूंगा कि आपको आधा घंटा ही पढ़ना था, तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ सर तो 2 घंटे मैंने बहुत अच्छा पढ़ा। और ये है कि भाई टारगेट है 5 घंटे पढ़ने का, ओ तो 2 ही घंटे पढ़े, बहुत कम पढ़ा है। तो ये 2 घंटा ज्यादा है या कम है वो कब पता चला, जब आपने पहले से ही स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, मतलब प्लानिंग करके रखा है कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है। तो आप कह सकते हो कि नहीं मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है, आपने प्लान किया कि आधा घंटा ही पढ़ना है, तो 2 घंटे पढ़ाई की एक्चुअल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। तो ये कंपैरिजन के लिए यहाँ पे प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है, और इसलिए कहा कि प्लानिंग इज द प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट इज प्लानिंग इज द फादर ऑफ कंट्रोल। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, प्लानिंग के बिना इंडिया के बिना पाकिस्तान कुछ नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे प्लानिंग इज द ओरिजिन ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोल तब आएगा जब बाप होगा, प्लानिंग होगा तो, क्योंकि प्लानिंग ही ये सारी चीजें सेट करता है। कंट्रोलिंग कीप्स अ चेक ऑन द एक्टिविटीज विच आर डिसाइडेड ड्यूरिंग द प्लानिंग। कंट्रोलिंग क्या करता है, जो प्लानिंग ने डिसाइड किया हुआ है वो हो रहा है या नहीं चेक करता है। मतलब जो मेन चीज है क्या करना है कैसे करना है, ये सारी चीज तो बाप डिसाइड करता है, मतलब प्लानिंग डिसाइड करता है। देयरफॉर कंट्रोलिंग डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लानिंग। आगे ऐसा कहा है कि कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है, और बाद में यहाँ पे ऐसा कह दिया है कि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता। आप सिंपली सोचो ना कि बाप के बिना बेटा हो सकता है क्या? आप पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, हर कोई पैदा होता है बिकॉज हमारे फादर है। तो सिमिलरली कंट्रोलिंग है बिकॉज प्लानिंग है। प्लानिंग ही नहीं होगा तो कंट्रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है, एंड हेंस प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो यहां पे दोस्तों हमारा ये छोटा सा टॉपिक इंटररिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग खत्म हुआ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जरूरत लगे तो इस वीडियो को 1-2 बार और रिवाइंड करके सुने, और हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट जो कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर रखे हुए हैं उसमें से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, नोटबुक में भी इसको नोट डाउन कर दीजिए। और इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए, चाहे वो 11th 12th हो, FYSY TY हो, CA या CS, कोई भी लेवल के लिए, आप आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाके SAS स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स अवेलेबल है, जिससे कि आपका नॉलेज, आपका रिजल्ट और आपका करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ सकते हैं। तो आप आज ही इसका फायदा ले, और इसी तरह से हमेशा मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।